नमस्कार बच्चों, आप सबको मेरे इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम दूसरा पाठ, संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में आप क्या सीखे हैं? संयुक्त वर्ण क्या होते हैं सीख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। द्वितीय पाठः संयुक्त वर्णाः। वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है, ये आप पहले चैप्टर में ही सीख चुके हैं। इन वर्णों को अलग अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद किस प्रकार करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला शब्द कनक। कनक में क न क, तीन अलग अलग तीन व्यंजन है। इन तीन व्यंजन के वर्णों को अलग करना है। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं, वे कभी भी स्वर के ऊपर आधारित होते हैं। इसलिए बच्चों, कनक शब्द का वर्ण विच्छेद किस प्रकार करना है देखिए। क हलंत प्लस अ, क प्लस न हलंत प्लस अ, न प्लस क हलंत प्लस अ, क आपका शब्द बन गया है कनक। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, सरिता। स री ता, स हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ई प्लस ता हलंत प्लस आ। तीसरा शब्द देखिए बच्चों, पति। पा ती, पा हलंत प्लस अ प्लस ता हलंत प्लस ई, पति। चौथा शब्द देखिए बच्चों, नदी। न दी, न हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस ई, नदी। पांचवा वाला शब्द देखिए बच्चों, पशु। प शु, प हलंत प्लस अ प्लस श हलंत प्लस उ। छठी शब्द देखिए बच्चों, वधु। व हलंत प्लस अ प्लस ध हलंत प्लस उ, वधु। आखिरी शब्द देखिए बच्चों, दात्री। द हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस री। संस्कृत में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो स्वर होता है उसी नाम से वह शब्द कहलाता है। देखिए बच्चों, जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद करने के बाद में अंत में जो स्वर होता है उसी नाम से वह शब्द कहलाते हैं संस्कृत में। अब देखिए बच्चों, यदि अंत में आ से हुआ समझो, वह शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। आ से हुआ समझो, आकारांत शब्द कहलाते हैं। ई से हुए तो इकारांत शब्द कहलाते हैं। ई से हुआ समझो, ईकारांत शब्द कहलाते हैं। उ से हुए तो उकारांत शब्द कहलाते हैं। ऊ
से हुए तो ऊकारांत शब्द कहलाते हैं, रि से हुए तो ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं जो भी शब्द आप वर्ण विच्छेद की चुके हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं देखते हैं। कनक, कनक शब्द अंत आखिर में लास्ट में आ स्वर से अंत हुआ है इसलिए वह अकारांत शब्द कहलाता है। सरिता, सरिता शब्द आ से हुआ है इसलिए वह आकारांत शब्द कहलाता है। पति, पति शब्द ई से अंत हुआ है इसलिए इसे इकारांत शब्द कहते हैं। नदी, नदी ई स्वर से अंत हुआ है इसलिए वह ईकारांत शब्द कहलाता है। पशु, पशु में आखिरी में अंत में ऊ स्वर से अंत हुआ है इसलिए वह उकारांत शब्द है। वधु, अंत में ऊ से हुआ है इसलिए ऊकारांत कहलाता है। दात्री, दात्री शब्द री स्वर से अंत हुआ है इसलिए वह ऋकारांत शब्द कहलाता है। बच्चों थोड़े शब्द, कुछ शब्द व्यंजन से अंत होते हैं उन शब्दों को व्यंजनांत या हलंत शब्द कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं, हस्तिन, हस्तिन यहाँ पे वर्ण विच्छेद देखिए पहले आप, ह हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस त हलंत। यहाँ पे देखिए बच्चों स्त, स आधा अक्षर है इसलिए उसमें स्वर नहीं रहेगा, स लिखकर हलंत डालकर छोड़ देना चाहिए। त पूरा अक्षर दिख रहा है इसलिए त हलंत प्लस ई, स्ती प्लस ना हलंत, ना हलंत से अंत हुआ है इसलिए व्यंजनांत या हलंत शब्द कहलाता है। वर्ण संयोजन, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की विधि को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। बच्चों यहाँ पे दो या दो से अधिक मतलब संयुक्त वर्ण भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की विधि को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों उदाहरण, पहला शब्द ही है उदाहरण। यहाँ पे देखिए उ प्लस द हलन प्लस आ प्लस ह हलन प्लस आ प्लस रा हलन प्लस आ प्लस ना हलन प्लस आ, ये सारा वर्ण विच्छेद क्रम में है। इन वर्णों को मिलाकर शब्द आपको लिखना है, उस विधि को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। अब देखिए बच्चों इस वर्ण विच्छेद से क्या शब्द बनता है, उ एक स्वर है इसलिए उ वैसा ही लिखना चाहिए। दूसरा वर्ण देखिए द हलंत प्लस आ, क्या बन गया द, ह हलंत प्लस आ क्या बन गया ह। नेक्स्ट र हलंत
र, अणा हलन प्लस अ, अणा आपका शब्द क्या बन गया बच्चों? उदाहरण। इसी प्रकार अन्य वर्ण विच्छेद भी देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद से क्या शब्द बनता है? ना हलन प्लस ई, नी। रा हलन प्लस म, हलन प्लस ई, रमी। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों को, ओके, रमी। रा हलन प्लस म, हलन प्लस ई, रमी। ता हलंत प्लस अ, त, आपका शब्द क्या बन गया बच्चों? निर्मित। अब देखिए बच्चों तीसरा वर्ण विच्छेद, श हलंत प्लस अ, श। ब हलंत प्लस द, हलंत प्लस अ, अब द। पहला शब्द वर्ण जो दिख रहा है हलंत के साथ, उस व्यंजन को आधा लिखना चाहिए, वो आधा व्यंजन है, इसलिए ब आधा लिखना चाहिए। द, द पूरा है, द हलंत प्लस अ, द शब्द। चौथा वर्ण विच्छेद देखिए बच्चों, प हलंत प्लस उ, पु। सा हलंत प्लस ता, हलंत प्लस अ, यहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन आ रहा है। देखिए बच्चों, सा आधा अक्षर है, उसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इसलिए स आधा है। ठीक है बच्चों, सा हलन प्लस ता, हलन प्लस अ, क्या बन गया वर्ण? स्त। का हलन प्लस अ, क। म हलन, सिर्फ वैसा ही लिखकर छोड़ देना चाहिए, म हलन, अ नहीं है, इसलिए वो म नहीं बनेगा। मम, अम, पुस्तकम, अम। राइट, नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, भ हलन प्लस उ, भू। प हलन प्लस आ, प। प्लस ता हलन प्लस ई, टी। क्या बन गया बच्चों आपका शब्द? भूपति। भूपति मतलब राजा। नेक्स्ट आखिर शब्द देखिए बच्चों, ल हलन प्लस ए, ले। ख हलन प्लस अ, ख। न हलन प्लस ई, लेखनी। बच्चों आप इस वीडियो में वर्ण विच्छेद किस प्रकार करना है और वर्ण विच्छेद के शब्दों को वर्ण किस प्रकार वर्ण संयोजन करना सीख चुके हैं, और वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है उसी से वह शब्द कहलाते हैं, ये आप सारे इस वीडियो में सीख चुके हैं। आपको नोट्स में कुछ वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग और रिक्त स्थान भी दिया गया है, आप सब अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।